ब्रह्म सचिदानंद घन विग्रह अतसि कुसुम श्याम नंद नंदन आनंद कंद श्री श्री वृंदावन बिहारीलाल निकुंज कुंज रधीश्वरी गुरु सभा नंदिनी प्रेम कला परा भद्रा प्रियसी प्रेम कामिनी रास राशेश्वरी नित्य किशोरी मा राधाराणी उत्कल प्राण केन्द्र पतित पावन जय जगन्नाथ स्वामी अभय पद पात्र अनंत कोटि दंडवत सहित प्रभु भवानी शंकर वंदी श्रद्धा विश्वास रूपिण सिद्ध श्री शिव शंकर मा पार्वती महाराणी अभय पद पात्र अनंत कोटि दंडवत सहित मोर परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपनिष्ठ जुगद्रष्टा ब्रह्मर्षि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ये कि अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरु परम वंदनीय माता भगवती शर्मा वेद माता देव माता विश्व माता माँ गायत्री अभय पद पात्र अनंत कोटि दंडवत सहित उत्कलीय भक्त पंच सखा शिरोमणि महापुरुष अच्युतानंद जीव कलागिरी छतिया धाम निवासी संत महात्मा हरिदास अभय पद पात्र अनंत कोटि दंडवत सहित उपस्थित मोर समस्त पितृतुल्य गुरुजन मंडली देवी स्वरूप शक्ति स्वरूप मा एवं भौणी मानी देव स्वरूप शक्ति स्वरूप भाई मान भय पद पात्र कोटि कोटि प्रणाम जनाई ही ज्ञानी गुणी मंडल सिद्धि आसंतु श्री भगवत कथार आलोचना करिया पूर्व आपण मान निवेदन जे जेउठार थांत ना काहीकि समस्त भाई मान निवेदन करूछि आपण मन बसी आ जदि गोटे मेलोडी शो होता भजन अन्य कौन होता ये से आम बुलंत ना आस बस आते हरि कथा से कहीं मन दबा बुझे महापुरुष मैंने लिखित कथा बाबूरी चारण चरण मारण हुई वरण न करी जन्म धर्म कथा प्रभु कथा हरि कथा गीता भागवत रामायण पुराण या को सुनिया पई बेसी पसंद करिवे नाही कलि युग रे कोथरे बेसी मन रखिवे को सुनिया को कहा को पसंद करिवे ना प्रेरणा यंत्र प्रेरणा कहिले कोन मेलोडी शो हो टीवी वीडियो प्रोग्राम हो लोक माने जत्ते पसंद करिवे यात्रा थिएटर को प्रभु कथा भगवान कथा या को सुनिया पे बेसी पसंद करिवे ना ताहो ए बड़ी घटना ही घटु छ देखो ज्ञान को कार खातिर ही नथिब बड़ी भवि ज्ञान भाव ज्ञान को बेसी पसंद करिवे नाही ज्ञान को कार खातिर ही नथिबो अच्युतानंद महापुरुष 600 वर्ष तळे जेतबेले कागज कलम बाहरी नथिला ताळपत्र एवं लेखनी रे जहां लिखि दे जाईथिले ताहा वर्तमान समाज रे घटी चालीची नहीं आपण माने ठीक से बुझी पारु छन ना मा माने बुझिया पई किछ असुविधा होने त सेति हम धीरे धीरे कहू तेणु जा लिखि दे वर्तमान घटना घटुन कहले कलि युगर लोक मान ज्ञान को खातिर नथिब अछि ना ज्ञान को खातिर नथिब काहे कि ना बढ़िबो विज्ञान हो विज्ञान भाव एत बढ़ी लोक मैंने विज्ञान को एते आपण ने ज्ञान को खातिर करे ना चंद्र मंडल लोके पशिजे चंद्र जहाँ को देवता बोली आम आज को 50-60 वर्ष तले 100 वर्ष तले
देवता रूपे पूजा करूथिले वर्तमान मध्ये मानुचे अध्यात्मवादी माने किंतु वर्तमान तो विज्ञान जाकी सेठी पहुंची घर तयारी करी रहिबार स्वप्न देखिलानी ना मंगल ग्रह रे जोटी मनीष पसिलानी मंगल ग्रह रे जोटी मनीष पहुंचिलानी चंद्र पृष्ठ रे घर तयारी करी रहिबार स्वप्न जोटी वैज्ञानिक माने देखिलानी सेठी ज्ञान को काहेकि बा लोक खातिर करी वर्तमान समय में आगुरु ग्रह आगुरु ढिंकी रे धान कुटुतले मा माने नई एपटे ढिंकी कोन दिने ढिंकी रे धान धान कुटुतले वर्तमान आ ढिंकी रे के धान कुटुतले ना सेतेबे चक्की रे मुगर गडुतले मा माने चक्की कोन दिना वर्तमान आ चक्की रे मुगर गडु चना बाटण बाटु चंती सिले रे ना ग्राइंडर बाहला नई धान दहल मध्य मशीन रे बाहर चावल बाहर जेते विज्ञान आगुक आगु जाउची लोक को रोग वैराग सेते मारी बसुची नै मा माने बहुदिन मोर आंठो धरला काई 100 वर्ष तळे त मा मानकर आंठो धर नतला केतक मा माने बहुदिन मोर अंटा धरुची नै ए काहे किरे विज्ञान आगुक ओढिलाडी ए तो आग अपिया परिश्रम कम होउची ना ढिकरे धान कुटतले काई आंठो त धरु नतला बाटण बाटुतले सिले रे काई अंटा त धरु नतला धरुतला ना चक्की रे मुगर गडुथले काही किथि त बिंधा चिटिका हो नथला आ वर्तमान देखिला लो ग्राइंडर वाला ने सुई जे चिपिला लो घर रही बोलु छ हैं किंतु वर्तमान ओंटा तर जो दोरे आंठू गठी पिके रे जो चिंता करो आज कलि युग रो मनुष्य विज्ञान रो मिछ दुआही देई पाश्चात्य संस्कृति को अपनही निजर जो संस्कृति सभ्यता एवं चलन संस्कार संस्कृति सभ्यता एवं संस्कार या को मनीष भूली छि जहां फल रे कि हम को सिना सब सुख सुविधा मिलु छि जेतबेले गाड़ी मोटर नथिला चली चली आउ थेले वर्तमान मोटरसाइकिल कार बाहरलाणी ट्रेन बाहरलाणी बस बाहरलाणी एरोप्लेन पर्यंत रॉकेट जान पर्यंत बाहर जी जीवा आसी आउ असुविधा नाही अछि ना सेतबेले मोबाइल नथिला बाप जदि थिबो ओडी ना ओडिसा रे पो जदि अमेरिका रे थिबो बाप मल्ला रछ केते मा 15 20 दिन परे पो खबर पाए चिट्ठी द्वार किंतु आउ कोन से असुविधा अछि ना एरा मोबाइल बाहरलाणी बाप रो जदि कोन हला पो अमेरिका रे थिले मध्ये गोटे मिनिट भीतर से जानी पारु छि नै का जुगु विज्ञान जुगु नै असुविधा का सुविधा रे परिणत विज्ञान करि छि ना असुविधा आउतला वर्तमान सुविधा आइ जाय छि नै हे मां माने ज्ञानी गुणी मंडली एतले इलेक्ट्रिक न थिला खरा दिने पंखा कण थिला ना बल जळु थिला ना किछि न थिला बहुत असुविधा आमे असुविधा रे थिले वर्तमान इलेक्ट्रिसिटी बाहरलाणी सब प्रकार सुविधा चुल्ली फुंकी 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 आखी कोदु थिला रोसेई कला बेले नै आउ कोन से असुविधा अछि सरकार उज्ज्वला योजना कर देले घरे घरे गैस सब प्रकार सुख सुविधा मिले किंतु असुविधा कोन हे जानु हैं सेत बेले जे जणक घरे तरकारी होउथला से सात घर को पहुंची दउथला नै हैं ताको घरे दे दिया तरकारी इगना अछि ओडिसा घरे कोन होउथे ताको जानिया पय समय सेत बेले जो आत्मीयता थिला भलो पाइबा थिला परस्पर प्रति जो सहयोग थिला आउ अछि वर्तमान ना वर्तमान कौन है जी पिता माता को जे पुत्र न मानी में भिन्ना भिन्ना परी हर भवनल भिन्ना भिन्ना करी हर बापो सामना रे पुओ छिड़ाई की कथाबार्ता करनोतला करथिला ना बापा मां को प्रति पिला मानकर भय भक्ति थिला भयरु भक्ति गोटे स्त्री रो स्वामी प्रति भय थिला बिली भक्ति रही थिला भक्ति आसुतला स्वामी प्रति नै किंतु वर्तमान आउ बापो प्रति पुओ रो कोन भय अछि ना आपुर पुओ माने बापु को लुची किरि पिउ थिले एकना बापो पुओ दुई जण जाई बरो जात्रे चेस करके पिउचंत नै बापो पुओ दुई जणे एकना बरो जात्रे चेस करके पिउचंत
आउ पुअर बापू भय अछि ना गुरु गुरु जन ज्ञान ना केई कहा को आज मानु छथि ना आज पुओ बापू को मानु नाही कि झियो मां को मानु नाही कि स्त्री स्वामी की मानु नाही कि गुरु को आज शिष्य मानु नाही मानु छथि ना कहार कहा प्रति आज आउ भय भक्ति नाही मु मोर मु जा पे बिसि आव ठीक मु जा बहुत ठीक उच्चतानंद महापुरुष छह सह वर्ष तले मालिका शास्त्र रे कलिजुगर रीति नीति विषय रे कलिजुगर चलणी किभली लोक चढ़ीबे हैं किभली चढ़ीबा दरकार आ किमिति चढ़ीबे सब सेई कथा मालिका रे लिखि जने कोन ना सुना माना दे कही ना बुझाई कलिजुगा धर्म नीति आद्य प्रांत करी देउची बुझाई जे स्वामी
युगर राम कथा अतीत घटना घटी सारी घटी जाइतिबा घटना विषय आपण अल्प बहुत जानि सुनिथिबे भागवत होची द्वापर युगर कृष्ण लीला अतीत घटना घटी जाइछि अतीत सरीछि से कथा से विषय अल्प बहुत आमे जानिथिबा महाभारत अतीत घटना द्वापर युगर ई विषय अल्प बहुत आमे जानिथिबा किंतु मालिका होची भविष्यतर कथा आगुकु कोन हबो बुझिले अतीत तो सरीछि आमे जानिछि से विषय किंतु भविष्यत ऊपर के जानिछि भविष्यत एक प्रश्न लाची कौन घटिबो सी होची मालिकार विषय वस्तु आगुकु कोन हबो जदि जानिबा चाहुचंती आगामी भविष्यत कोन हबो 2029 मसिया पर्यंत 2029 मसिया पर्यंत आजि आमे आपण मानकु कहिबु केते बेले कोन को जगह रे कोन कोन घटना सब आगुकु घटिबो जदि जानिबा चाहुचंती ताले मन देखि आपण माने सुनिबे दाहु 600 वर्ष तले पंचसंख्या माने तांगर भविष्यत मालिकार लिखि दिए छथि आपण को मध्य प्रमाण दबु ई घटना दी केते सत्य केते मिछ ता उपर तथ्य तत्व प्रमाण मध्य दबु आपण निज ज्ञान बळर ताकु परखिबे जहा कहिले ता केते दूर सत केते दूर ग्रहणीय ताकु परखिबे आपण अच्युत महापुरुष कहुचने मालिकारे आपद पड़ीबो बहुत किछि आगुकु आपद विपद जोरे पड़ीबो पड़ीजुगर लोकमान को उपरे आपर भांगीबो आगु कहुचि अच्युत कहले रामचंद्र रे ताको शिष्य को कहुचने रामचंद्र रे आपर भांगीबो आगु कहुचि कहार टाण रहिबो नाही धनर गर्व जड़े पाखे बहुत धन अच्छी लक्ष लक्ष कोटि कोटि टंका अच्छी धन थिबा देबु ता भीतर जदि धनर गर्व अच्छी ताले से धनर गर्व जो ता पाखे मध्य धनर गर्व रहिबो नाही उच्च जाति रे जन्म हमार गर्व आम उच्च जाति रे जन्म होई छी एत बड़ अंकी संसई ये जदि आ जबु उच्च जाति रे जन्म हमार गर्व जदि का भीतर थिबो ताकू देखि बा से उच्च जाति रे जन्म हितिबार गर्व जबु जदि के समाज रे पतियार देखौतिबे ताले से गर्व मध्य तांकर रहिबो नाही आउ ज्ञान बहुत ज्ञानी जने पंडित जने ये ज्ञान रो अहमिका नै समाज रे जदि केउ माने पतियार देखौतिबे हे रामचंद्र से ज्ञान रो गर्व मध्य तांकर रहिबो नाही काहे कि आपर भांगीबो आगु कहुचि टाण कहार रहिबो ना से धनी हौ से ज्ञानी हौ से मानी हौ से उच्च कुल रे जन्म हौ थाउ ये गर्व कहार रहिबो नाही आरती लोडीबे धर्म ना आगु को ये भली समय आसुचि संसार रो समस्ते धर्म रूप को डंगा रे बसिया को बाध्य हे आज जेमिति मनीष धन पछरे बाईया हाइछि सकाळ उठिले कृष्ण मोह चाहिले खुशी लागो एंता कुछ सकाळ उठिले हनुमान को मुह के दर्शन कले आनंद लागो सकाळ उठिले जदि जो दिन 2000 टंका नोट रे गांधी मोह के दर्शन कर दउ ने से दिन हम को बहुत आनंद खुशी लागो हरे टंका 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 हरे हरे एई टंकाटा कलि युगर मनुष्य को इमिति बाईया करिछि राति रे बिछणा रे आमे सोइला बेले समस्त भाबुचे आ राति पाइला लोक बड़ लोक होई जाते जो ओली बाट रे हो आज ओली बाट रे हो बड़ लोक केमिति हि जानते कि किंतु अच्युत आनंद महापुरुष मालिका रे लिखितिले बाबू रे ए धनर गर्व कहार रहिबो नाही आगु आरते लोडीबे धर्म ना समस्त धर्म रूप कटंगा रे बसिया पाई बाध्य काहे कि अतिरिक्त मास लोक
ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଆଗକୁ ଜୋରରେ ପଡିବ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ହେଉ ବାତ୍ୟା ହେଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉ ଅତିବୃଷ୍ଟି ହେଉ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଉ ଧୋଇ ମରୁଡ଼ି ହେଉ ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରରେ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ରୋଗ ବୈରାଗ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟ ହେଉ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ଯେ ଜଗତରେ ବ୍ୟାପିବ ବୈଧବଣା ହୋଇବେ ଏମିତିଆ ରୋଗ ସବୁ ଆଗକୁ ହବ ମେଡିସିନ କାମ କରିବ ନାହିଁ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ଆଗକୁ ମାରି ଆସେ ତେଣୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଉ ଆଗକୁ ବିପଦ ଆପଦ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରରେ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଠାରୁ ନା ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ମନରେ ଶୁଣ କେତେବେଳେ ଠାରୁ ନା ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷ ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକତ୍ର ପଡିବ ଏ କଥା କଣ ରାମାୟଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଭାଗବତରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ମହାଭାରତରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଅଠର ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନା କୋଉଥିରେ ନା ମାଳିକାରେ ଏ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକତ୍ର ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅମେଶିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଡିବ ସେବେଠାରୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବା ବିପଦ ଆପଦ ଜୋରେ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ ସତ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଡିପାରିବ ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ 2018 ମସିହା ମହାଦେବୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛୁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ ଯାହା କହିବୁ ତାପରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ କଣ ଅମେଶିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଡିଛି କି ଇଏ କଣ ପଡିପାରିବ ହଁ କୋଉ ମସିହାରେ ନା 2018 ମସିହାରେ ଗତ ବର୍ଷ ଯୋଉଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଇନଥିଲା ଯୋଉଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସେଦିନ କଣ ପଡିଥିଲା ନା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଘରେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯୋଉଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡିଥିଲା ସେଇଦିନ ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଡିଥିଲା ଅଚୁତ ଲେଖିଥିଲେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଳିକାରେ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଯୋଉଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡିଥିଲା ସେଇଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଡିଥିଲା ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡିବ ସେଇଦିନ ଠାରୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଦ ବିପଦ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆକାରରେ ଜୋରରେ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା ମରମ ଫିତାଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକା ଯୋଉ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକାରେ କେତେ ତାରିଖ ମସିହାରେ କୋଉ ମାସରେ କୋଉ ତାରିଖରେ କୋଉ ବାରରେ କେତେଟା ସମୟରେ କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ଘଟିବ ଲେଖାଯାଇଛି ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକା ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଲେଖା ଅଛି ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ମହାପୁରୁଷ ଅର୍ଖିତାସଙ୍କର ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ତ ସେଇଭଳି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକା ଯୋଉଥିରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି କେତେବେଳେ କଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ଘଟିବ କହିଲେ ମରମ ଫିଟାଇ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ମରମ ଫିଟାଇ କହୁଛି ଏବେ ଚାରିଟା ଗ୍ରହଣ ପଡିବ ଯେବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଚାରିଟା ଗ୍ରହଣ କ'ଣ ସହଜ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଚାରିଟା ଗ୍ରହଣ ପଡିବ ଯୋଉ ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ପୃଥିବୀରେ
କୁହାଯିବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଚାରିଟା ଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ ପଡିବ କୋଉ ବର୍ଷ ପଡିବ କୋଉ ମସିହାରେ ପଡିବ କୋଉ ମସିହାରେ ପଡିବ ଚାରିଟା ଗ୍ରହଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଯୋଉ ବର୍ଷ ପଡିବ ଚାରିଟା ଗ୍ରହଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସେଇ ବର୍ଷ ପୃଥିବୀରେ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ମତେ ବହୁତ ଫୋନ ଲୋକ କଲେ କହିଲେ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ତମେ ତ ମାଳିକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆଚ୍ଛା ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ବିଷୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କଣ ଏଇଟା ହବ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ନାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ନା କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ନାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ବରଂ ହଉ କିନ୍ତୁ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଏ ବର୍ଷ ହବ ନାଇଁ ଯୁଦ୍ଧଟା କଣ ହବ ବୋଲେ ଆଗକୁ ହବ ନା କେବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧଟା କେବେ ହବ ହେମା ମାନେ ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧଟା କୋଉ ମସିହାରେ ହବ କୋଉ ବର୍ଷ ହବ ହବ ନା ନାହିଁ ହଁ ହବ କାହିଁକି ହବ ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅଠର ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିନି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ କୁରୁପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କେତେ ଦିନ ଅଠର ଦିନ କିନ୍ତୁ ଏ ଅଠର ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସରିନାହିଁ ଯଦି ପୁରାଣକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ଧର୍ମ ଉପରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ମହାଭାରତ ଉପରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତାହେଲେ ଅଠର ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସରିନାହିଁ ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ ବାକି ଅଛି ଅଠର ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରୁ କୋଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧଟା ବାକି ରହିଛି ଆଉ ସେ କୋଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧଟା କୋଡ଼ିଏ ଯୁଗରେ ହେବ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଓଳି ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଯୁଦ୍ଧଟା କେତେବେଳେ ହେବ କୋଉ ମସିହାରେ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଚାରିଟା ଗ୍ରହଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପଡିବ ସେ ସମୟଟା କେତେବେଳେ ସେ ସମୟଟା କେତେବେଳେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଓଳିରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ଆଶା ମେଣ୍ଟେଇଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ମା ମାନେ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧଟା କେବେ ହେବ କୋଉ ସମୟରେ ହେବ ନା ବତିଶ ତେତିଶ ମଣି ପୁଣି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଡୁ ସାଡୁ କଥା କହୁନୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଭାଗବତ ଗୀତା ଏ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହୁଛୁ ଆଗକୁ କଣ ହବ ବତିଶ ତେତିଶ ପୁଣି ଚଉତିରିଶ ମୀନ ଶନି ଭୋଗ ହେବ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମୀନ ଶନି ଅଢେଇ ବର୍ଷ ଭୋଗ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୀନ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ରହିବେ ବୁଝିଲେ ମୀନ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଚଳିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭାରତ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଓଳି ସେତେବେଳେ ମୀନ ରାଶିକି ଶନି ଯିବେ କେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି କୋଉ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ ରାଶି କେଇଟା ବାରଟା ରାଶି ନୁହେଁ କଣ କଣ ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ବିଛା ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ ମୀନ ବାରଟା ରାଶି ନୁହେଁ ଏ ବାରଟା ରାଶିରେ ଶନି ପ୍ରତି ରାଶିରେ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ଗମନ କରନ୍ତି ଶନି ଶନି ଗ୍ରହରାଜ ଶନି ଅଢେଇ ବର୍ଷ ପ୍ରତି ରାଶିରେ ଚଳନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି କୋଉ ରାଶିରେ ଚଳିଛନ୍ତି କୋଉ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ବିଚା ଧନୁ ଶନି ଥିଲେ ଧନୁ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୁ ରାଶି ଛାଡି ଶନି ମକର ରାଶିକି ଗମନ କରିଛନ୍ତି ନା ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମକର ରାଶିରେ ଆଉ ଏ ମକର ରାଶିରେ ଶନି ରହିବେ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ଶନି ଅଢେଇ ବର୍ଷ ରହିବେ ମକର ରାଶିରେ
ये मकर राशि रे अढ़ाई वर्ष शनि रहिला परे या परे शनि जीवे को राशि की ना कुंभ राशि मकर परे कुंभ कुंभ राशि रे शनि रहिबे अढ़ाई वर्ष ये अढ़ाई वर्ष मिसियला केते ना पांच वर्ष ये पांच वर्ष शनि मकर कुंभ राशि रे रहिबे या परे शनि को राशि की जीवे ना कुंभ परे होची मीन शनि जीवे मीन राशि की कुंभ परे पांच वर्ष परे पांच वर्ष परे शनि यदि मीन राशि की जीवे सेत बेल को कोम वर्षी आइ आइ थिबो ना 2019 2020 2021 2022 2023 2023 मसिया जाए शनि कुंभ राशि रे मकर कुंभ राशि रहिबे 2024 मसिया रे शनि चढ़िबे मीन राशि आ शनि जेतेबेले मीन राशि की जीवे सेतेबेले कौन हुई शनि मीन राशि रे अढ़ाई वर्ष रहिबे 2024 2025 2026 ये तीन वर्ष शनि मीन राशि रे रहिबे रहिले कौन हुई शनि मीन राशि रे चलिले कौन हुई ना राम रावण युद्धे महाभारत महाभारत लिखा जाए राम रावण युद्धे कुरु पांडव समरे तदिका राशिका सर्वे राजग्रह समायुता राम रावण युद्ध समय तृतीया युग रे मीन शनि भोग हई 13 दिनिया पक्ष पड़ीला बोली कोहली बोली परिस्थिति युद्धर परिस्थिति सृष्टि हला तृतीया युग रे द्वापर युग रे कुरु पांडव मानक भितरे युद्धर परिस्थिति कुरुक्षेत्र सृष्टि हई गला समाधान हई पाला नाही युद्ध हला काहे कि ना सेतबेले मीन राशि रे शनि थिले मीन राशि रे शनि रहिले कौन हुए ना युद्धर परिस्थिति संसार सृष्टि हुए तन अच्युत कहिले सेति बे मालिका रे के वती सते तिस पुणी चौती रीसा वती सते तिस पुणी चौती रीसा ये ब्रह्मपुर साइड आइथली प्रवचन देवा को प्रवचन देला बेले 7टा बेले प्रवचन आरंभ कर जेतले 7टा बेले मु प्रवचन आरंभ करली प्राय 2000 खंडे श्रोता बसी के सुन थेले जेमती घंटे पर घंटे घंटे पर घंटे जेमती 9टा बेले होई छे ना 7टा रो 2 घंटा जेतले 9टा हो गेला देखिले से 2000 खंडे के पड़े गोटे पर गोटे उठी के पड़े गलेनी जणे मोटे बसी छे जड़े बसी थी मो प्रवचन दौ मुले हे मो मन को आसला आ ये जदी उठि के पळे बा सुने भी का को पालो ना चेयर का को सुने मले ये लोग पटी उठि के जीवा पूर्व रु प्रवचन बंद कर दवा मो पे भलो हो मले मो प्रेस्टीज ले के जीवा ये जदी उठि के पळे बा प्रवचन बंद कर साला पर मो से भाई जने जे बसी के सुनतेले मो ता डाकरे मोर भाई के सुनेला ना काय रे मोले पाठ को आसले से ना कहिबो से भाई जनक पाखरे आसी पहुंचले कर कौन है ना अच्छा भाई तुमको मु दुई हाथ जोड़ी कोटि कोटि नमस्कार करके धन्यवाद मु तुमको दउ छी ना काई मैं देख प्रवचन जे तोले 7टा बेले म आरंभ करले 2000 खंडे बस के सुनो थेले ये 9टा बेले को 2 घंटा भीतर सब जंग उठि के पड़ी जाय छले तमे एकुटिया बस छ आ तमे उठि के पड़ी जाय थेले मो प्रेस्टीज लीक हे जाय ना था जाओ शेष पर्यंत तमे बस के रहिला मो इज्जत टिके तमे बचाई देला अच्छा भाई ये जो 2000 कटे बस के सुनो थेले
सब जाक उठी की पळे गेले पधारू तमे शेष पर्यंत बसी रहते काय की मो प्रवचन पण तमे एते भलो लागुचे दे तमे उठी की मते जाई पर ना जे भाई आईया मते पछा लागला तमे एडी राखी छी की जिमने हमर गायत्री परिवार दीदी हम भाई तांकर माध्यम रे कमिटी मेंबर आपितरा रे समस्त हमर ज्ञानी गुडी मंडळी कर्मकर्ता वृंद पर आमंत्रण निमंत्रण करमे आमे एठा आसी पहुंचितु तनो सही भली ओताबिरा ओताबिरा रे समस्त ग्रामवासी मानकर सहाय्य सहयोग तथा समस्तंकर भलो पाइबा को सम्मान जणई अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता तो निकट रे आमे चिरऋणी जे की सेमाने मध्ये उद्यम प्रचेष्टा करी आमगा आमंत्रित निमंत्रित करतन सही भली से भाई मते पत्थर कत मैले डाकी थी की मैले से जो भाई बसिना से चेयर राम बाबू से पर मते फोन करी डकई जंती ना बोले कौन है लगी ना तुम टिके साधारण ज्ञान ना रे माने ना देखो जो तुम्हें सातटा बेले प्रवचन आरंभ कल आ 2000 खने बस के सुन ये 9टा बेले को 2 घंटा भीतर सब जाको उठ के पड़ जाई जने मु ये कुटिया बस दी ई तो तुम्हें जानि परो ना तुम प्रवचन मते केते भल लागी तो ना तुम प्रवचन प्रवचन किछि भल लागिला जे माने बस के सुनतले ताको भल लागिलानी आ से माने सब उठ के पड़ गेले मते मते तुम प्रवचन भल लागो मु जबरदस्ती आठी बस मोर केते बेले तमे तमे प्रवचन सारिबो मुमो बेरसिता ने की घर बुझी भी ता अपेक्षा रे सेना बसीची तमे प्रवचन प्रवचन सुनिवा अपेक्षा रे न मा मने ख्याति गुडी मंडळी आपण जो मारे सब अचन से बेरसिट उठा वाला बढ़िया के ना दिदा हैं जदी थी सरी गला कथा बुझले त महापुरुष कल कल बाबू रे आगु को ई आबो पृथ्वी रे गुण युद्ध हबो केते बेले ना 2024 मसिया रु 26 मसिया ई 2.5 वर्ष कोण हबो ना पृथ्वी रे युद्ध हबो होई बा महा समरा अति प्रबल युद्ध केवल भारत पाकिस्तान भितर द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध जाई तृतीय विश्व युद्ध रही ये तृतीय विश्व युद्ध भली परिस्थिति संसार रे सृष्टि एवं किंतु मो गुरुदेव वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरु से लिखिछन तृतीय विश्व युद्ध हवा पूर्व बंद हो खंड प्रलय निश्चित हम महाप्रलय हम ना तो कहले महासमर देश देश मध्य अति प्रबल युद्ध हम के 2024 रु 2026 मसिया जेतबे शनि मीन राशि रे 2.5 वर्ष थी बुझले 2.5 वर्ष शनि मीन राशि रे से तमे रही थी ए ज्ञानी गुणी मंडळ सुजिया आ पांच जण योद्धा अपेक्षा करी रही चले द्वापर युगर तांकर युद्धर आशा मेटे पई पड़ी जई आ युद्धटा कोटु प्रथमे आरंभ किए करिवो प्रथमे युद्ध पण भारत ना अच्युत लिखिले मालिका शास्त्र रे